कलकत्ता हाई कोर्ट के कौन थे वो जज? सब कुछ छोड़कर बन बैठे तांत्रिक। किस घटना ने सर जॉन का दिमाग फिरा दिया था? क्या आपने कभी सोचा है कि एक जज को तंत्र विद्या में इतना मजा आने लगेगा कि वो सब कुछ छोड़ देगा और तंत्र विद्या न केवल सीखेगा बल्कि उसमें पारंगत होकर उस पर कई किताबें तक लिख डालेगा? सुनकर यकीन तो नहीं होगा, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक ऐसे ही जज हुए जो तंत्र साधना तंत्र विद्या के लिए सब कुछ छोड़ बैठे, जिसका उन्हें रिजल्ट भी मिला। वो न केवल तंत्र विद्या में पारंगत हुए बल्कि उस पर किताबें भी लिख डाली। ये घटना 1904 की है जब वो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बनाए गए। कहते हैं इसके पीछे उनके साथ घटी एक घटना थी जिसने उनकी जिंदगी ही बदल डाली थी। सर जॉन जॉर्ज वुड्रोफ। कलकत्ता हाई कोर्ट के उस जज का नाम था सर जॉन जॉर्ज वुड्रोफ। सर जॉन की तांत्रिक लाइफ में जाने से पहले थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। सर जॉन का जन्म 15 दिसंबर 1865 में हुआ था। उनके पिता का नाम जेम्स टिस्डल वुड्रोफ था। वो तत्कालीन बंगाल के एडवोकेट जनरल थे। सर जॉन की माता का नाम फ्लोरेंस था। उनकी स्कूली शिक्षा वो बर्न पार्क स्कूल में हुई थी, साथ ही उन्होंने स्नातक ऑक्सफोर्ड से की थी। यहीं से उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी की थी। 1890 में जॉन इंडिया आए और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। कुछ वक्त बीतने के बाद उन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी का फेलो बना दिया गया। उसके बाद वो इसी यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर भी बन गए। फिर 1902 में उन्हें स्टैंडिंग काउंसिल बना दिया गया। इसके महज 2 साल बाद ही 1904 में उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में तंत्र विद्या में बड़ी रुचि। 1890 में इंडिया आने से पहले उन्होंने सोचा तक ना होगा कि तंत्र विद्या नाम की कोई चीज भी होती है जो कि उनकी जिंदगी को बदल देगी। जब 1904 में उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट का जज बनाया गया, यहीं से उनको तंत्र विद्या में रुचि आनी शुरू हुई, जो कि बाद में इतनी प्रबल हुई कि उन्होंने दिन दुनिया छोड़कर इसी काम में लग गए। तंत्र विद्या की शुरुआती रुचि के दौरान वो इससे जुड़ी तमाम किताबें मंगवा कर पढ़ने लगे थे। बार एंड बेंच में वकील नमित सक्सेना ने इस बारे में लिखा है कि सर जॉन की तंत्र के प्रति झुकाव यहीं से आना शुरू हुआ था, जो कि बाद में इतना प्रबल हुआ कि उन्होंने तंत्र विद्या पर कई किताबें तक लिख डाली। कलकत्ता हाई कोर्ट की एक घटना ने फिराया दिमाग। एक दिन ऐसा हुआ कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सर जॉन ने एक फैसला सुनाना था। सर जॉन की नज़र में केस इतना आसान था कि वो चुटकियों में अपना फैसला टाइप करा सकते थे, पर ये क्या, उस दिन जब वो फैसला टाइप करवाने बैठे तो एक शब्द बोल तक नहीं पाए। ना इनके दिमाग में इस केस को लेकर कुछ भी आ रहा था। जब वो परेशान हो उठे तो अपने अंडर काम कर रहे कर्मचारियों से ये बात बताई। पता चला कि इस केस की एक पार्टी तंत्र विद्या की जानकार थी। जब इस केस का फैसला टाइप कराए जाने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त वो पार्टी कोर्ट रूम के ठीक बाहर तंत्र साधना में जुटी थी ताकि फैसला उनके हक में आए। उनके मातहतों ने बताया कि दूसरी पार्टी जो तंत्र साधना कर रही थी उसे अभिचार या स्तंभन प्रक्रिया कहा जाता है। तंत्र विद्या में रुचि, लिख डाली कई किताबें। उस दिन की घटना से वो तंत्र विद्या से इतने प्रभावित हो गए कि पहले तो उन्होंने इससे जुड़ी कुछ किताबें मंगवा डाली। चूंकि ये सारी किताबें उस वक्त संस्कृत में थी, इसलिए पहले उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। धीरे धीरे वो किताबों को पढ़ते गए। जाहिर है रुचि ज्यादा होने की वजह से उनके दिमाग में तंत्र विद्या की गूढ़ता आसानी से समझ में आने लगी। जब उन्हें लगा कि वो इसमें पारंगत हो गए हैं, तब उन्होंने किताबें लिखनी शुरू कर दी। लेकिन अपनी किताबें वो छद्म नाम से लिखा करते थे। तंत्र साधना की किताबों के राइटर के रूप में उन्होंने अपना नाम ऑर्थर एवलॉन रखा था। इस नाम से उन्होंने कई किताबें लिखी, जिसमें से एक किताब जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू तंत्र शास्त्र है, जो कि आज भी बेहद फेमस है। साथ ही उनकी फेमस किताबों में द सर्पेंट पावर, प्रिंसिपल्स ऑफ तंत्र शक्ति है। कहते हैं सर जॉन तंत्र विद्या में ऐसे रम गए थे कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और तंत्र साधना में पूरी तरह से जुट गए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।